हेलो स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर क्लास। सो स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास होगी टाइम एंड वर्क, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, आज की हमारी नेक्स्ट जो क्लास है, ठीक है, आपकी ये आई थिंक ये थर्ड क्लास होगी, राइट। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस को किया था, कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा है, जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट थी कि क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट किया जाए, तो इस तरह से मैंने हिंदी में प्रयास किया है ताकि आपको हिंदी में क्वेश्चन मिल सके। सो आज यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह, दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। स्टूडेंट, आप क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से सीखना है, ठीक है। और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो आपको होमवर्क भी आई होप जो है आप जल्दी से जल्दी आप करके दिखाएंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको बोला था स्टूडेंट, आप मैथ्स की कोई रेफरेंस बुक जरूर लें, RS अग्रवाल से शुरुआत कर सकते हैं, अच्छी बुक है, ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट उससे बिल्डअप हो किया जा सकता है, राइट स्टूडेंट। सो आज का एक बार क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ठीक। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहां पर देखेंगे कि उन्होंने बोला है राम कैन डू अ वर्क इन 5 डेज। देखो आपकी यहाँ पर जो मेरी पेन है ये भी बेसिकली व्हाइट कलर की है, तो आपको दिखाई नहीं दे रही बराबर, ठीक। सो दिखेगी नहीं अल्टीमेट। सो राम कैन डू अ वर्क, राम किसी काम को, सो देख रहे स्टूडेंट, इन्होंने बोला है राम कैन डू अ वर्क, राम किसी काम को 15 डेज में कर लेता है। कोई काम है, राम उस काम को 15 दिनों में पूरा करता है। व्हाइल राम एंड शिवा वर्क टूगेदर, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। जब उसी काम को राम और शिवा मिलके करते हैं, सो वो कितना डेज लेते हैं, 10 डेज लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज शिवा कैन अलोन डू द वर्क, शिवा उस काम को अकेले कितने दिनों में कर लेगा। सो क्वेश्चन अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर बोला है उन्होंने राम किसी काम को 15 दिन में, जबकि राम और शिव मिलकर के उस काम को 10 दिनों में करते हैं। शिव अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो शिव अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, आपका ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, यहां पर जैसा कि क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे आर मतलब राम किसी काम को करता है 15 डेज में, तो लिखेंगे यहाँ 15, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद उन्होंने बोला है शिवा या शिवा बोलो, ठीक है, और राम जब दोनों मिलके काम करते हैं, मतलब राम एंड शिव जब दोनों मिलके काम करते हैं, तो सेम काम को कंप्लीट करते हैं 10 डेज में। सिंपल सी बात है, जब दो लोग मिल जाएंगे तो काम जल्दी कंप्लीट होगा। ये तो आ गया स्टूडेंट आपका डेज, बिकॉज आपको एफिशियंसी चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर टोटल वर्क निकालना होगा। सो टोटल वर्क दो कितना आएगा, 15 और 10 का जो एलसीएम लोगे, 15 और 10 का जो एलसीएम आएगा स्टूडेंट कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। सो एलसीएम लेना, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को एलसीएम लेना आ गया होगा, वैसे तो बहुत इजी है यहाँ पर, तो कोई अगर रह गया हो तो अब तक आप सीखे गए होंगे, ठीक है। सो 15 और 10 का एलसीएम स्टूडेंट आपका 30 आएगा। सो आपने देखा कि जब 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर यहाँ पर आएगा, 15 2 15 2 30, अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 10 30 30, सो यहां आ गया 3। सो अलग अलग एफिशिएंसी दोनों की आ गई, इसकी आगे 2 और इसकी आगे 3। सो आपने देखा जो राम की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, और राम और शिव की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, दोनों मिलके काम करते हैं। बिकॉज आपको निकालना है शिव अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो आप यहां पर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब आपके सामने देखो दो तरीके, चाहो तो आप यही ऐसे माइनस कर लो ऐसे, ठीक है, ऐसे माइनस करके आप निकाल सकते हो आंसर, या तो क्या करो, देखो राम की एफिशिएंसी आपको पता है 2 है, तो आप यहां लिखोगे 2 + s, ठीक है, राम की एफिशिएंसी प्लस शिव की एफिशिएंसी मिलके कितनी एफिशिएंसी बनाती है, 3 बनाती है, तो आपको शिव की निकालनी है। सो s कितना आ जाएगा, 3 - 2, और कितना यहां आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो शिव की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई स्टूडेंट, ठीक है। बिकॉज आपको ये निकालना है कि शिव अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो इसके लिए मैंने आपको बताया जब टोटल आपको एफिशिएंसी मिल चुकी है, ठीक है, सो टोटल वर्क में एफिशिएंसी डिवाइड करते हो तो आपका अल्टीमेट कितना आंसर आएगा, 30। सो आपका करेक्ट जो इसका आंसर होगा, यहां पर देखो ऑप्शन स्टूडेंट नहीं बन पाया है, सो इसका आंसर कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर इसमें डाउट होता है तो आप इसको क्लैरिफाई बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला है सुरेश वर्क्स एज फास्ट एज मिहिर, सुरेश की जो वर्किंग एबिलिटी है वो ट्वाइस है किससे, मिहिर से। इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, अगर दोनों मिलके किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं, सुरेश अलोन कैन कंप्लीट 18, तो सर सुरेश इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। इस क्वेश्चन का एक बार हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने बोला है सुरेश की कार्य क्षमता मिहिर से दुगनी है, मतलब सुरेश दुगनी रफ्तार से काम करता है। तो स्टूडेंट देखो, इन्होंने एफिशियंसी जो होती है कार्य क्षमता, उसको पहले इन्होंने दे रखा है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर के किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, अगर दोनों मिल जाए और कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट कर ले, तो सुरेश की अकेले उस कार्य करने की मतलब कितने दिनों में कर लेगा, आपको यहां निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। सो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे,
यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे ध्यान से आपको देखना है, थोड़ा सा आपका बाकी क्वेश्चन से अलग है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट, सूर्य की जो एफिशिएंसी है डबल है, ट्वाइस। अब यहां पर हमको डेज नहीं पता, हमें एफिशिएंसी पता है, डेज हमें निकालना है, ठीक है। मिहिर की एफिशिएंसी क्या है? सिंगल है। अब जब दोनों मिलके काम करते हैं तो एफिशिएंसी कितनी बन जाती है? सुरेश प्लस मिहिर की एफिशिएंसी कितनी हो जाती है स्टूडेंट? आप जो दोनों को ऐड करेंगे आपका थ्री आ जाएगा। अब दोनों की वर्किंग जो एबिलिटी है वो कितनी है? थ्री है। अब जब दोनों मिलके काम करते हैं तो काम 12 दिनों में कंप्लीट होता है, तो आप खुद सोचो टोटल काम कितना होगा। इसके लिए स्टूडेंट आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो टोटल वर्क होता है बेसिकली क्या होता है? एलसीएम होता है, राइट। अगर हमें इंडिविजुअल डेज पता है, तो अगर हमें एलसीएम नहीं पता स्टूडेंट, राइट, अगर हमें टोटल वर्क निकालना है, मतलब एलसीएम नहीं पता हमें निकालना है वो, सो उसके लिए अगर हमें स्टूडेंट एफिशिएंसी पता है मतलब कार्य क्षमता, और डेज पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आप यहां क्या करेंगे, यहां आप देख रहे हैं एफिशियंसी जो है वो दोनों की मिलाकर के थ्री है, और नंबर ऑफ डेज जो दोनों ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं? 12 डेज ले रहे हैं। सो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सो टोटल जो आपका टोटल वर्क आ गया, ठीक है, वो कितना आ गया? 48 आ गया, सॉरी 36, कितना आ गया स्टूडेंट? 36 आ गया। सो आपने देखा स्टूडेंट आपका टोटल वर्क निकल के आ गया, बिकॉज हमसे क्वेश्चन पूछा है कि सुरेश अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, सुरेश अकेला इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है। सो बिकॉज हमें पता है सुरेश की एफिशिएंसी, इसकी कार्य क्षमता हमको पता है दो है, सो सुरेश के अगर आपको निकालना है कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट? 36, आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही है, टोटल वर्क में हम एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करोगे और आपका आंसर आ जाएगा 18। इस तरह से नंबर ऑफ डेज आ गए, सुरेश अगर अकेला काम करता है सो कितना दिन लेगा? 18 डेज लेगा। जबकि अगर मिहिर का पूछता सो मिहिर के लिए क्या करते, क्योंकि बिकॉज मिहिर की एफिशिएंसी कितनी? 1 है, सो 36 में आप 1 से डिवाइड करते तो आपका कितना आता है स्टूडेंट? 36 डेज आता। सो आप यहां से भी देख सकते हैं कि सुरेश क्या हाफ डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, बिकॉज इसकी एफिशिएंसी क्या है? डबल है मिहिर से। सो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है, आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी कराए हैं, एक बार आप ऐसे क्वेश्चन खुद से एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है ए कैन डू 1/2 पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, ए क्या करता है? किसी काम का 1/2 हिस्सा 5 दिन में कंप्लीट करता है। बी कैन डू 3/5 ऑफ द सेम वर्क इन 9 डेज, बी क्या करता है? उस काम का 3/5 पार्ट 9 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। सी कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क इन 8 डेज, सी क्या करता है? उस काम का 2/3 8 डेज में कंप्लीट करता है। इन हाउ मेनी डेज कैन 3 ऑफ देम टुगेदर डू द वर्क, अगर तीनों मिलके काम करें तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, ए किसी काम को 1/2, किसी काम का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है, बी 3/5 भाग 9 दिनों में करता है, सी 2/5 भाग 8 दिनों में करता है, तीनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे। सो यहां पर ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही सिंपल, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। सो यहां पर क्वेश्चन है, ए किसी काम का 1/2 पार्ट जो है 5 डेज में कंप्लीट करता है, राइट। सो अगर टोटल काम कंप्लीट करना हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर अगर मैं टोटल काम निकालना हो, ये आपका ये जो फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो भिन्न आपको यहां दिखाई दे रही है, यहां जाके रिवर्स हो जाती है, सो 2/1 हो जाएगी। सो इस तरह से ए का जो टोटल वर्क होगा कितने दिनों में टोटल काम कंप्लीट कर लेगा? 10 डेज में। सिमिलरली हम बी का इसी प्रकार कर लेंगे। अब देखो बी को मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बी बिकॉज 9 डेज ले रहा है और 9 डेज में कितना काम करता है? 3/5, सो यहां लिखूंगा 5/3। सो बी टोटल काम कितने दिनों में करेगा स्टूडेंट? 3 से कैंसिल कर लो, 3 3 9, 15 डेज यहां पर आ जाएगा। अल्टीमेट कितना आ गया? 15 डेज आ गया। बी उस काम को 15 दिनों में पूरा कर लेगा। सी क्या करता है? सी काम का 2/3 पार्ट 8 डेज में करता है। सो 8 हमने यहां लिखा और 2/3 रिवर्स किया, तो यहां लिखेंगे 2/3 को हम लिखेंगे स्टूडेंट 3/2, ठीक है। सो स्टूडेंट यहां पर आ जाएगा आपका 3/2, ये 2 से डिविजिबल है, 4 आ जाएगा। अल्टीमेट यहां पर देखो 4 3 कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। सो आपने देखा ए किसी काम को क्या करता है? 10 दिन लेता है कंप्लीट करने में, बी क्या करता है? 15 दिन लेता है, सी क्या करता है? 12 दिन लेता है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, उसके बाद एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क कितना है स्टूडेंट? आप देख रहे हैं कि यहां पर टोटल वर्क जो आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 12 15 10 का एलसीएम आएगा स्टूडेंट 60, राइट। सो यहां पर 10 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल है 10 6 जा, ठीक है। 15 से करेंगे तो 15 चौका 60 15 4 जा, और 12 से करेंगे तो 12 5 60 स्टूडेंट यहां पर 5 आ जाएगा। सब
अब क्या करेंगे, जब सब टोटल मिलके काम करेंगे, जब तीनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, इसके लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, हमने तीनों को ऐड किया, अब जो टोटल एफिशिएंसी आपकी निकल के आ गई 6 4 आपका 10 5 15, सो टोटल एफिशिएंसी कितनी बन गई स्टूडेंट, 15 बन गई, बिकॉज आपको निकालना है कि जब तीनों मिलके काम करते हैं तो समय कितना लगता है, तो 60 में अब हम क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर देंगे, और 15 4 जा 60 होता है, तो नंबर ऑफ यहां से डेज आ गया स्टूडेंट, ये आपका आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्ड होकर के प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उन्होंने देखो क्या पूछा है, हमारा क्वेश्चन है अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन, मतलब एक निश्चित लोगों की संख्या, ठीक है, कैन डू अ वर्क इन 60 डेज, इफ किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इफ देयर वर 8 मैन लेस, अगर मान लो 8 आदमी कम हो जाए, इट कुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज मोर, ठीक है, सो उस काम को पूरा करने के लिए 10 दिन ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी मैन आर देयर, कितने व्यक्ति यहां पर है, कितने पर्सन वहां पर अवेलेबल है, आपको ये निकालना है, शुरू में कितने पर्सन अवेलेबल थे, मतलब आपको ये निकालना है। सो हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, कोई काम है, सपोज ये काम, इस काम को कुछ व्यक्ति, हमें नहीं पता कितने व्यक्ति है, हम सपोज करते हैं कि एम मैन है, और एम मैन इस काम को 60 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यदि कंडीशन बोला है कि 8 व्यक्ति कम होते तो काम करने में 10 दिन अधिक लगते, अगर 8 व्यक्ति नहीं आते, छुट्टी पे होते, तो उसी काम को करने में 10 दिन अधिक लगते, तो 60 लग रहा था, और 60 में आप 10 जोड़ देंगे तो 70 लगेगा, ठीक है, 70 डेज लगेगा, ठीक। सो आपको बताना है प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, शुरू में कितने व्यक्ति काम कर रहे थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे स्टूडेंट की यहां पर हम बोलेंगे सपोज कि एम मैन थे, एम व्यक्ति किसी काम को क्या कर रहे थे, 60 दिनों में पूरा कर रहे थे। फिर हमने हमने मतलब देखा कि इसके अंदर अगर 8 लोग नहीं आ रहे हैं, मतलब m-8, ठीक है, 8 पर्सन जब नहीं आते, तो अब क्या होता है कि वो काम पूरा होने में 60 प्लस 10 तो 70 डेज लग जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने पीछे सीखा उससे बिल्कुल अलग है। सो इस कॉन्सेप्ट को आप सबसे पहले समझो कि ये देखो कॉन्सेप्ट क्या कहना क्या चाह रहा है, और यहाँ की इसकी कौन सी बात हमें नई सीखने को मिल रही है, तो सबसे पहले आप ये समझो। तो इसको देखो आप ऐसे समझ सकते हो, एक हमारा रिलेशन होता है, इसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये होता है कि कोई काम है, सपोज ये काम, ठीक है स्टूडेंट, अगर ये काम है, इसको एक्स लोग कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक्स लोग कर रहे हैं तो वाई दिन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस काम को एक्स लोग करते हैं तो वाई दिन लगाते हैं, ठीक है। अगर यहां पर इस एक्स में लोगों की संख्या बढ़ा दी जाए, प्लस कर दी जाए, तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो दिनों की संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। सो ध्यान से देखो कि अगर एक्स में नंबर ऑफ पर्सन में अगर लोग अगर बढ़ जाए तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसी का रिवर्स है, अगर इन लोगों की संख्या में अगर हम माइनस कर दे तो काम पूरा होने में समय और अधिक लगेगा, मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है। सपोज करते हैं कि यहां पर अगर 5 लोग हैं, 5 लोग किसी काम को 10 दिन में कर रहे थे, ठीक है, 5 लोग किसी काम को 10 दिन में कर रहे थे, अगर यहां पर लोगों की संख्या बढ़ा दूं, ठीक है, अगर मैं यहां 6 लोग कर दूं तो उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। तो ये कंडीशन ये हो गई, हमने क्या किया, प्लस किया, तो यहां क्या हुआ, माइनस हुआ। अगर यहां लोगों की संख्या में कम कर दूं, मतलब 4 व्यक्ति कर दूं, है ना, माइनस कर दूं, तो ये काम अब आप 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हो, ठीक। सो इस तरह के जो रिलेशन होते हैं इसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन, इसे हम कहते हैं व्युत्क्रम, एक जो होता है आपका रिलेशन संबंध। तो इसको हम बेसिकली लिखते कैसे, देखो इसको स्टूडेंट, इसको लिखते हैं एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/y। इसका थोड़ा सा बेस आपको बता रहा हूं, इसे बोलेंगे एक्स प्रोपोर्शनल टू, इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। सो इसे पढ़ा जाता है एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। इसका मतलब क्या, अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा, एक्स बढ़ेगा तो y घटेगा, और y घटेगा तो x बढ़ेगा, ठीक है। सो इस तरह से आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं इसको क्या करूं, x इज इक्वल टू ले आऊं, तो ये जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये मतलब प्रोपोर्शनलिटी जो साइन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये ब्रेक होने के बाद एक अचर संख्या, इसे कांस्टेंट कहते हैं, ये निकल के आती है। सो यहां पर आपका ये y आ जाएगा, राइट, और इस तरह से आपका xy मल्टीप्लाई करके क्या देंगे, k, ठीक है।
अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यहां जो के है ये क्या है, काम को बता रहा है। काम तो कम ज्यादा हो नहीं रहा है, राइट, काम तो कम ज्यादा हो नहीं रहा है, तो कम ज्यादा क्या होगा इनमें से, ये आपका फिक्स है, ठीक है, राइट स्टूडेंट, ये आपका फिक्स है। सपोज अगर मैं क्या कर दूं, के की जगह पर मैं 12 लिख दूं और यहां 3 लिखूं, यहां 4 लिखूं, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 4 ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज करो ये मैन है और ये डे है, तीन आदमी 4 दिन काम करते हैं तो इस 12 काम को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर इसी को रिवर्स कर दूं, मैं इसी को मैं थोड़ा सा इसमें अल्टर कर दूं, अगर मैं यहां 2 लिख दूं तो यहां मुझे 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि मैंने यहां क्या कर दिया, कम कर दिया, तो यहां मुझे ऐड करना पड़ा बिकॉज ये मुझे नेट 12 ही चाहिए। सो यहां पर आप इस क्वेश्चन को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर जो अल्टीमेट जो बनेगा, जो वैल्यू ऑफ के होगी, ये क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, मतलब काम आपका नहीं बदल रहा है। व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। इतना कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां पर भी सेम तरीका लग रहा है कि एम पर्सन है, किसी काम को 60 डेज में करते हैं। अगर एम पर्सन में से 8 लोग निकाल दिए जाए तो सिंपल सी बात है, काम को पूरा करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एम इंटू 60 इज इक्वल टू 70 इंटू एम माइनस 8, इस तरह से हम इज इक्वल टू इसको कर लेंगे। सो जो मैंने आपको यहां दिखाया, इस कॉन्सेप्ट को आप लिख सकते हैं x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने सेम कॉन्सेप्ट यहां पर किया, आपको ऐसा कुछ लिख के नहीं दिखाना, ये थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता रहा हूं ताकि आपको इसका आइडिया लग जाए कि ये होता कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सो इसका कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट बेसिकली इनवर्स रिलेशन, इसे हिंदी में व्युत्क्रम एक संबंध कहते हैं, ठीक है। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो इस तरह से हमने देखा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, यहां पर पर्सन और यहां पर डेज, यहां पर पर्सन कम हुए और यहां पर आपका नंबर ऑफ डेज जो है बढ़ गया, लेकिन अल्टीमेट जो काम था, मतलब जो के था, वो तो आपका सेम था। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है, तो हमारा देख रहे हैं कि ये आपका कितना रहा है, 60 एम आ रहा है। तो आप चाहे देखो इसको सॉल्व करने के लिए 0 से यहां 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका सिंपल ये आपका 6 एम आ गया। यहां पर 7 बचा है, 7 को ब्रैकेट के इनसाइड लेके जाएंगे तो आपका आएगा 7 एम माइनस 7 इंटू कितना, 8, ठीक है स्टूडेंट। 7 8 56 होता है। अब आप क्या करें, इस माइनस की वैल्यू को आप लेफ्ट में ले आए तो आपका हो जाएगा प्लस, और प्लस में इसको मल्टीप्लाई करके लिखे तो 7 8 56 हो गया इज इक्वल टू 7 एम माइनस 6 एम, राइट है। 7 एम से 6 एम माइनस करेंगे तो आपका एम आएगा। इस तरह से आपका जो नंबर ऑफ डेज, सॉरी नंबर ऑफ जो पर्सन आ गए स्टूडेंट, वो कितने आ गए, 56। मतलब शुरू शुरू में कितने व्यक्ति रहे होंगे, 56 लोग रहे होंगे। तो हमें जो समय लग रहा था वो 60 डेज लग रहा था, बाद में क्या हुआ, इसमें से 8 हमने माइनस कर दिया। अब जो नंबर ऑफ पर्सन हो गए वो कितने हो गए स्टूडेंट, आप यहां माइनस करोगे तो 48 आ जाएंगे, राइट। सो अब नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 48 हो गए, तो नंबर ऑफ जो डेज लग रहा है वो 70 लग रहा है। आप देख रहे हैं कि यहां पर थोड़ा सा टाइम फालतू लग रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा डाउट होता है तो इस वीडियो के बाद दोबारा से रिप्लाई करके देखें, एक बार रिप्ले मतलब अच्छे से करें और उसको ध्यान से देखें और यहां के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ले स्टूडेंट, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, आप ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम है, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप अपने आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन को इसका आंसर निकाल के आपको मुझे रिप्लाई करना है। आपको एक बार क्वेश्चन में समझा देता हूं, यहां उन्होंने बोला है अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ वर्क इन 35 डेज, मतलब कुछ फिक्स निश्चित व्यक्तियों की संख्या है किसी काम को 35 दिन में कर लेते हैं। इफ देयर वर 10 मैन मोर, अगर 10 व्यक्ति और होते, कुड बी इट कुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस, उस काम को 10 दिन पहले खत्म कर सकते थे। हाउ मेनी मैन आर देयर, कितने व्यक्ति वहां पर है, कितने पर्सन वहां पर है, तो यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन हिंदी में देखो किस तरह से लिखा है। इन्होंने बोला है कुछ व्यक्ति किसी काम को 35 दिन में करते हैं, यदि 10 व्यक्ति अधिक होते तो काम करने में 10 दिन कम लगते, आरंभ में कितने व्यक्ति थे, आपको ये फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क रहा। और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, कोई रेफरेंस बुक ले लेनी है और उस बुक से आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहनी है। जो टॉपिक आपका चल रहा है उस टॉपिक की प्रैक्टिस आप उसी बुक से करो और डाउट्स बनाओ और पूछो, ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका सिमिलर है। इन्होंने बोला है कि 30 मैन कैन रिपेयर अ रोड इन 18 डेज, 30 व्यक्ति किसी रोड को ठीक कर सकते हैं 18 दिनों में। दे वर ज्वाइंड बाय 8 मोर वर्कर, अगर वो सॉरी 6 मोर वर्कर, अगर 6 मोर वर्कर के साथ वो ज्वाइन कर ले जो 30 मैन है, नाउ द रोड कैन रिपेयर इन, कितने दिन में रोड रिपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 30 30 व्यक्ति किसी सड़क की मरम्मत 18 दिनों में कर सकते हैं, यदि
छह व्यक्ति अधिक हो जाए तो मरम्मत में कितना समय लगेगा, राइट। सो यहां पर आप इस क्वेश्चन को देखो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 30% किसी काम को 18 डेज में करते हैं, राइट। ये भी इन्वर्स रिलेशन है, काम तो रोड तो सेम है, रोड जितना बनाना है वो तो सेम है, वो तो कम ज्यादा हो नहीं रहा है, पर्सन कम ज्यादा हो सकते हैं, अगर पर्सन कम ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ डेज भी कम ज्यादा लगेंगे। 30 व्यक्ति 18 डेज में काम करते हैं, अगर 6 मोर और हो जाए मतलब 36 हो जाए, दिनों की संख्या कितनी लगेगी, हमने बोला एक्स लगेगी। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन आपको पता है इनवर्स रिलेशन है, तो हम लिखेंगे 13 into 18 इज इक्वल टू 36 into x। सो आपको एक्स निकालना है स्टूडेंट, लिखोगे 30 into 18 अपॉन कितना 36, आपका दो बार में कटेगा और ये दो से कट जाएगा 15, सो आपका आंसर आ गया कितना 15, और इस तरह से आपने आंसर निकाल लिया, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, आज की क्लास हमें यही होल्ड करनी पड़ेगी, और जो है अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं स्टूडेंट, इन सभी का आप रिविजन करके इसकी प्रैक्टिस करना, अगर कोई डाउट बनता है तो आप बेसिक क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट, आप पूछिए बार बार पूछिए, ठीक है, मैं ऑलवेज अवेलेबल रहूंगा आपके लिए। सो आज की क्लास यही होल्ड करते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।